गुड मॉर्निंग मैम। आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर हो गया राइट? हमने सेकेंड चैप्टर सैटरडे को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ये स्क्रिप्ट और स्टाइल के बारे में सिखाऊंगी जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज है कि किस तरीके से स्टाइल शीट, ये स्टाइल टैग और स्क्रिप्ट टैग का यूज होता है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ठीक है? ये जो हमारा W3 स्कूल से मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने जो ये W3 स्कूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था उसके अंदर से ही मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये हेड टैग है, उसके अंदर ये स्टाइल टैग है राइट, इसके अंदर ही स्टाइल टैग लिखना है हमें जो भी स्टाइल सेट करनी है। जैसे कि यहाँ पे बॉडी है, ये हमारे टैग्स है, ये बॉडी टैग, H1 टैग और P टैग। मैंने P टैग का आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको पी टैग पे कोई अलाइनमेंट और वो सब रखने हैं तो वो स्टाइल के अंदर ऐसे लिख लेने होते हैं। और यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो जहाँ पे भी हम पी टैग का यूज करेंगे पूरे बॉडी टैग में, वहां पे सब चीज वहां पे आ जाएगी। जहां जहां पे हम पी टैग का यूज करेंगे तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग आ जाती है। तो ये स्टाइल टैग का यूज है। जैसे कि यहाँ पे बॉडी लिखा है तो बॉडी के जहाँ पे भी हमने बॉडी टैग का यूज किया है तो हमें यहाँ एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये कलर का होना चाहिए, ऐसा सेट करने की जरूरत नहीं। हम फिर यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स डालेंगे वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये वेब पेज पे। फिर ये H1 टैग है, जैसे कि यहाँ पे H1 टैग का कलर व्हाइट है तो यहाँ पे हमने एक H1 टैग लिया। अभी दूसरा H1 टैग लिखूंगी मैं यहाँ पे कि दिस इज माय एग्जांपल। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो वो सारी चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी H1 टैग के लिए। अगर मैंने यहाँ पे सिंपली ये कलर चेंज करके रेड लिख लिया तो ये चीज मुझे ये H1 टैग और ये H1, जितने भी H1 टैग हम पूरे पूरे पूरी फाइल में जितने भी हम H1 टैग यूज करेंगे वहां पे सब में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें कोड इजीली अंडरस्टैंड होगा। अगर हमने एक जगह पे यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे भी हम सिंपल कलर लिख ले H1 टैग में तो उसका कलर चेंज होता है H1 टैग से, लेकिन फिर जितने भी H1 टैग है वहां पे इंडिविजुअली हमें सब जगह पे वो चेंज करने होते हैं। लेकिन स्टाइल टैग का यूज करके हम सिर्फ एक जगह पे चेंज करके पूरे पेज में जितने भी H1 टैग है वो सब जगह पे रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो स्टाइल टैग इसलिए यूज होता है। और एक है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी अगर हमें कुछ ऐसा कोड करना है कि बटन क्लिक करे तो ये चीज होनी चाहिए, और अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें ये चीजें अगर मिसिंग है तो आपको प्रॉम्प्ट करें। तो उस सब चीज के लिए अगर क्लाइंट क्या इनपुट डालता है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें चाहिए तो उसके लिए स्क्रिप्ट है। तो उसका यूज कैसे होता है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये देखो यहाँ पे एक मैंने खुद से नहीं बनाया, यहाँ पे जो एग्जांपल था वही मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि ये बॉडी टैग में बटन एक लिया है, ऐसे भी टैग्स आते हैं जिससे हम बटन क्रिएट कर सकते हैं। HTML बहुत ही बड़ा एक लैंग्वेज है लेकिन हम उसका बेसिक अभी सीख रहे हैं। तो जैसे कि यह बटन टैग है तो उसके ऑन क्लिक पे हमें क्या चाहिए कि ये इस तरीके का कुछ आउटपुट आए कि आज की डेट कौन सी है। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आज की डेट और टाइम आ जाएगा। तो जब भी आप क्लिक करोगे तो उस दिन की डेट और टाइम आ जाएगी। तो क्लाइंट ये बटन पे क्लिक करे तब मुझे आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए स्क्रिप्ट्स होती है। ओके अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन किस लिए यूज होता है? बॉडी सेक्शन में जो भी लिखे वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? हेड के बाद में कंप्यूटर के वेब पेज में। यस, ब्राउजर की विंडो के अंदर जो हमारी एक्चुअल कंटेंट है जो यूजर्स को दिखाना है वहां पे वो रिफ्लेक्ट होगा राइट। द HTML बॉडी एलिमेंट एक्ट एज अ कंटेनर ऑफ आइटम्स
विच विच हैव टू बी डिस्प्लेड विद इन अ ब्राउजर. अभी उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है. अभी ऐसी कोई चीज है कि हमें ऐसा दिखाना है कि पीछे बैकग्राउंड दिखे, जो हमें जो ब्राउजर की विंडो है उसमें कोई प्लेन हमारा बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर होता है, लेकिन उसकी जगह पे हमें कुछ दिखाना है कि कोई हमारा बेंजामिन का लोगो एज अ वॉटर मार्क इफेक्ट में दिखे, कि हमारा टेक्स्ट भी दिखे और बैकग्राउंड में वो इमेज भी दिखे. तो उसके लिए बैकग्राउंड इमेज करते हैं. वी हैव सीन दैट द कोड द HTML कोड दैट प्रेजेंट्स कंटेंट ऑन सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड. To present the content on decorative and colorful background, we can use background attribute with body tag. For the text background, we may use any image available with us in our computer. उसके लिए कोड कैसे होगा, बॉडी और फिर बैकग्राउंड करके हमारा जो फाइल नेम है विथ एक्सटेंशन लिखना है, और फिर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. BG प्रॉपर्टीज इक्वल टू फिक्स्ड. फिक्स यानी जो हमें जितनी इमेज है उतनी ही दिखनी चाहिए, स्ट्रेच करके बड़ी होके या छोटी होके नहीं, जितनी इमेज की साइज होगी उतनी इमेज दिखाई देगी. उसके लिए इस तरीके की BG प्रॉपर्टीज है डिफरेंट. और फिर हम बीच में ये बॉडी टैग स्टार्ट और ओपनिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में हमारा कंटेंट सब आएगा. हियर बैकग्राउंड इज एन एट्रीब्यूट. बैकग्राउंड क्या है, एक एट्रीब्यूट है. इट हैज टू बी प्रोवाइडेड विद अ वैल्यू, और वैल्यू कौन सी होगी, नेम ऑफ अ फाइल दैट वी वांट टू डिस्प्ले एज अ बैकग्राउंड. अभी वो बैकग्राउंड कौन से फॉर्मेट के होने चाहिए. वी कैन प्रोवाइड एनी वैलिड इमेज फॉर्मेट लाइक JPG, BMP, PNG, TFF. ये सारे हमारे एक्सटेंशन है हमारी इमेज फाइल के. In case there is a mistake in specifying the file name, nothing will be visible in the background of the page. यानी अगर ऐसा भी हुआ कि ब्राउजर को वो पर्टिकुलर फाइल या इमेज हम दिखाना चाहते वो नहीं मिली, तो हम कोई एरर नहीं आएगी बट वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा. मैं उसका एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे देखो बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज वन. तो मेरे पास इमेज वन करके ये एक फाइल है जो JPG फाइल है. तो उसका आउटपुट किस तरीके से दिखा, ऐसा जो हमारी फाइल थी वो HTML फॉर बिगनर्स इस तरीके का कुछ था हमारे पास बैकग्राउंड के लिए. ये हमारी इमेज है तो उसको मैंने बैकग्राउंड में दिखाया है. तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज वन. इमेज वन डॉट JPG हमें दिखाना है और BG प्रॉपर्टी इक्वल टू फिक्स्ड रखा, यानी मुझे जितनी इमेज है उतनी साइज की मिलेगी. जैसे कि ये इमेज इतनी है तो यहाँ से दूसरी इमेज होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हमने और कोई एट्रीब्यूट सेट किया होता तो क्या हो जाता, ये पूरी इमेज स्ट्रेच हो जाती, पूरी विंडो के हिसाब से हमें देगी. तो हमारा जो इमेज का क्या बोले पिक्सल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, तो एक्चुअल इमेज हमें नहीं दिख पाएंगी. और ये जो दिस इज हाउ वी कैन पुट इमेज इन बैकग्राउंड, इस तरीके का जो लिखा है वो मैंने बॉडी पार्ट में पी करके पैराग्राफ टैग में लिखा है H1 टैग में. ओके, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं बॉडी टैग में. फिर दूसरा है बैकग्राउंड कलर. अभी हमें कुछ इमेज नहीं दिखाना लेकिन बैकग्राउंड सिंपल बैकग्राउंड कलर दिखाना है. तो उसके लिए वी कैन मेक वेब पेज अट्रैक्टिव बाय यूजिंग बैकग्राउंड कलर इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैकग्राउंड इमेज. तो उसके लिए कौन सा है, बॉडी BG कलर
बैकग्राउंड इमेज के लिए है एट्रीब्यूट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड इमेज के लिए है बीजी कलर। बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू कलर कोड लिखना होता है या फिर कलर नेम। हम आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट हमारे जो कलर्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाइट के लिए 6 times F, इसे डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है 4 times F and 00, उससे कौन सा कलर आएगा, येलो कलर आएगा। तो इस तरीके से हम बॉडी के अंदर बीजी कलर करके एट्रीब्यूट नेम यूज कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू में हम कलर का नेम या फिर कलर का कोड लिखना रहता है हियर बीजी। और दूसरा एक है हियर बीजी कलर इज एट्रीब्यूट डिफाइनिंग बैकग्राउंड कलर, यानी यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बैकग्राउंड और बीजी कलर दोनों दिखा सकते हैं, और अगर हमारे पास इमेज अगर नहीं मिली तो फिर हमें बीजी कलर देगा। In such case, the background color will be displayed till image is completely loaded in browser. तो जब हमारा पीसी कोई क्लाइंट का यूजर बहुत ही स्लो होता है तब क्या होता है, अगर इमेज लोड होने में हमारी इमेज ज्यादा बड़ी है तो जैसे ही इमेज जब तक लोड हो रही है तब तक हमें कलर डिस्प्ले करेगा, और जैसे ही हमारी इमेज लोड हो गई तो कलर चेंज करके हमें इमेज जो हमने यहाँ पे सेट की होगी बैकग्राउंड में वो हमें इमेज दिखाएगा। दिस इफेक्ट विल बी जनरली विजिबल ऑन स्लो कंप्यूटर्स। हम अगर किसी का पीसी बहुत ही स्लो चल रहा है तब ये इफेक्ट हमें दिख पाएगी। ऑन फास्ट कंप्यूटर्स वी मे नॉट एबल टू सी एनी इफेक्ट। एनी कलर is in an electronic media, यानी हमारे जो कंप्यूटर के अंदर या फिर कहीं पे भी हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कलर कॉन्सेप्ट कैसे कंसिडर होता है, इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कलर नेमली रेड ग्रीन एंड ब्लू। हर कलर इन 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। हम जब छोटे थे तब ड्रॉइंग में भी देखा था 3 बेसिक कलर होता है और फिर इन दोनों कलर को मिला के तीसरा कलर होता है, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर, इस तरीके से डिफरेंट कलर शेड्स हमें मिलते हैं। आप लोगों ने किया है ऐसा? यस मैम। तो और ये 3 कलर्स दे आर आल्सो नोन दे आर आल्सो एक्रोनिम एज RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू इनका शॉर्ट फॉर्म है RGB। Colors in computer are coded as degree from 00 to FF in hexadecimal call, hexadecimal. अभी different different हमारे hexadecimal होता है, binary होता है, ऐसे different codes होते हैं। तो इसमें जो हम color का code लिखते हैं वो hexadecimal में लिखते हैं। Hence, to represent a color, we need to build a code representing some red, some green and some blue color making it a 6-digit code. तो इस तरीके से हमारा पूरा 6-digit का code बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे use किया था FF और 00, तो first 2 digit हो गए वो red color के, second 2 digit हो गए वो green color के, और last वाले 2 digit वो blue color का combination बनाते हैं। For example यहाँ पे हमने FF और 4 times 0 है, तो FF इक्वल टू ये हमारी जो डेसिमल की वैल्यू होती है 0 to 255 तक होती है, यानी हम इतने रेड कलर के टोटल 256 हम कॉम्बिनेशन कोड बना सकते हैं 0 से लेके 255 तक। यानी अगर हमने FF लिखा है तो हमें रेड कलर दिखाएगा, और यहाँ पे ग्रीन 00 और ब्लू 00, इस तरीके का ये पूरा कोड होगा। The combination of RGB values from 0 to 255 gives more than 16 million different colors. यानी इसका 0 to 256 combination red का, green का 0 to 255 तक, यानी total 256, और blue के 256, इनके जितने combination बनेंगे इतने हम colors नए नए बना सकते हैं। By mentioning color image string in hexadecimal format, we can specify various colors.
वी मे ऑल्सो यूज कलर नेम्स. जैसे कि हमने मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिखाया जो जिसमें हम स्क्रिप्ट में यूज करते थे, तो उसके अंदर कैसा था, हमने सिंपली सिंपली कलर नेम लिखा था. व्हाइट कलर था तो मैंने रेड कलर लिखा था. तो हम कलर का नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर हम इस तरीके का हेक्साडेसिमल कोड का यूज कर सकते हैं. मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखाती हूँ. बैकग्राउंड कलर, देखो मैंने बीजी कलर इक्वल टू FF00F0 इस तरीके का मैंने बीजी कलर सेट किया है. तो इसका आउटपुट मुझे किस तरीके का देगा, मुझे ये पिंक कलर का दिया और ये टेक्स्ट मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ गया. और अगर मैं यहाँ पे पूरा कोई भी कॉम्बिनेशन, अभी हमने देखा FF0000 इस तरीके का मैंने अगर कोड लिखा है तो मुझे बैकग्राउंड रेड कलर का देगा. अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगी FF00FF तो मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा, रेड और ब्लू का कंबाइन करके जो आउटपुट हमें मिलता है वो यहाँ पे वो कलर देगा हमें. फिर अगर हम यहाँ पे FF FF और 00 ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो मुझे रेड और ग्रीन कलर कंबाइन करे तो कौन सा कलर मिलेगा, उसका आउटपुट देगा. इस तरीके के डिफरेंट बहुत सारे जो कलर्स है वो हेक्साडेसिमल में भी हम लिख सकते हैं. प्लस अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे बीजी कलर ये कोड लिखा है, इसकी जगह पे मैं सिंपली लिख लू ब्राउन. अगर मैंने ये ब्राउन लिखा है तो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड ब्राउन कलर का देगा. ये चेंज हो गया. तो हम कलर कोड का भी यूज कर सकते हैं प्लस कलर नेम का भी यूज कर सकते हैं. आप W3 स्कूल्स में देखेंगे तो यहाँ पे कलर ट्यूटोरियल करके भी है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम कौन सा कोड यूज कर सकते हैं. जैसे कि RGB इस तरीके का है, इतने सारे कलर्स है तो इसका हेक्साडेसिमल इसका आउटपुट इस तरीके से मिलेगा. तो यहाँ से भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो ये कौन सा कलर है. जैसे कि यहाँ पे FF00 तो हमें रेडिंग रेड कलर से मिला. ये FF FF, इन शॉर्ट यहाँ पे जितने भी कोड से आप जो भी कोड यूज करेंगे तो इस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा. ओके, तो आप जितना भी डिटेल में जाना चाहते हो तो ये W3 स्कूल्स आपका बेस सोर्स रहेगा HTML सीखने के लिए, अगर आप रियली इंटरेस्टेड है तो. ठीक है, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर. इस तरीके से हम बैकग्राउंड बीजी कलर सेट कर सकते हैं. यानी अगर हमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, वृतिका, काव्यांजलि, आयुष, अगर आपको बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो उसके लिए एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड. और अगर बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, बीजी, बीजी कलर. और आगे अभी है टेक्स्ट कलर. अभी ये बीजी कलर से तो हम बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी टैग में ऐसे टेक्स्ट करके एक एट्रीब्यूट है, उससे हम अगर हमारे जो बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसके सारे हमें एक ही फॉन्ट से, जैसे कि अभी नॉर्मली ब्लैक कलर का आता है लेकिन हमें सेट करना है कोई और डिफरेंट कलर. जैसे कि अगर मेरी बैकग्राउंड इमेज ये है, ये वाली है, तो मुझे ब्लैक कलर या ब्लू कलर नहीं चाहिए, लेकिन व्हाइट कलर की बैकग्राउंड मुझे ज्यादा आउटपुट, इफेक्टिव आउटपुट देगा. तो उसके लिए क्या होगा, मैं हर एक टैग जहाँ पे भी यूज करूँ तो हर एक जगह पे मैं व्हाइट 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 ऐसा लिखूं तो वो कोड रिडंड कोड बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा. और अब जब हम एक बार लिखने के टाइम तो लिख ले, लेकिन वापस जब हम जब नया वापस से कुछ एडिट करना हो, कोड में कुछ चेंज करना हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हर एक जगह पे व्हाइट लिखा है जो चेंज करना है मुझे और दूसरे कलर से. तो उसके लिए बॉडी के अंदर टेक्स्ट करके एक एट्रीब्यूट है.
बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू, फिर हमें यहाँ पे कलर नेम या फिर कलर कोड का यूज करना है। तो इससे भी क्या होगा कि अगर अगर हमने चेंज कर लिया तो जितना भी बॉडी में टेक्स्ट यूज होगा वो हमें उस कलर का हमें आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, लेकिन अभी मुझे ये चेंज कर देना है व्हाइट कलर से, तो मैं उसके लिए मैं टैग का यूज कर सकती हूँ ये बॉडी इमेज के अंदर। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड सेट की हुई है, तो यहाँ पे ही हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट इक्वल टू व्हाइट। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने कलर का नेम लिखा है, तो यहाँ पे वो चेंज हमें रिफ्लेक्शन देगा कि यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट लिखे वो व्हाइट कलर से आ जाएंगे। अगर हमें कोई और कलर जो हमारे इमेज के बैकग्राउंड से मैच करता हुआ हमें चाहिए, तो उस तरीके से हम अगर अभी मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैं कहीं पे भी अगर व्हाइट कोड का यूज नहीं करती, फिर भी मुझे सारा आउटपुट व्हाइट कलर से ही देगा। जो भी आउटपुट जो भी कुछ मैं लिखूं वो मुझे वैसे ही करके देगा। हेलो, दिस इज एग्जांपल, ठीक है। अभी मैं ऐसा जो भी कुछ लिखूं तो वो मुझे कुछ भी बाइड ऐसा कलर सेट करने की जरूरत नहीं, एज मैंने बॉडी टैग के अंदर सेट कर दिया है कि मुझे टेक्स्ट व्हाइट कलर का चाहिए, तो मुझे हर चीज व्हाइट कलर से ही देगा। अगर हमने ऐसा यूज नहीं किया होता तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे कलर इक्वल टू व्हाइट ऐसा हर एक टैग के वहां पे हमें यूज करना होता। लेकिन हम जैसे कि यहाँ पे बॉडी टैग में हमने यहाँ पे ही सेट कर दिया है, तो मुझे जितने भी एग्जाम्पल्स हो गए वो सारा हर कुछ व्हाइट कलर से ही लिख के देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट कलर। इफ वी वांट बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर इन सिंगल इंस्ट्रक्शन, देन वी कैन राइट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टेक्स्ट इक्वल टू कलर गेट करना है और बीजी कलर और वो भी सेट करना है, या फिर हम बैकग्राउंड कलर भी इमेज भी सेट कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी, लेकिन हम टेक्स्ट का यूज करें तो बॉडी का जो कंटेंट होगा जो भी हम ब्राउजर में दिखाना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे टेक्स्ट करके जो एट्रीब्यूट है वहां पे जो सेट किया होगा वही हमें दिखाएगा। आगे है लिंक कलर। अभी लिंक कैसे बनाते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था लिंक कैसे बनाते हैं। रुतिका काव्यांजलि, लिंक का टैग मतलब रख के? नहीं, हम लिंक कैसे बनाते हैं, एंकर टैग से। एंकर टैग का यूज करें तो हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा वेब पेज ओपन करें उस तरीके से। ओके ओके मैम, तो उसके भी कलर्स आते हैं, जैसे कि मैं आपको वही एग्जांपल ओपन करके दिखाऊं। हमने चैप्टर वन में एक्सरसाइज में देखा था माय स्कूल करके, राइट। यहाँ पे हम माय स्कूल ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे ये देखो ये माय स्कूल है पर्पल कलर में दिखा रहा है और माय क्लास ब्लू कलर में दिखा रहा है, तो ये भी हमने कुछ कलर तो सेट किया नहीं है, तो ये भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं कि ये यहाँ पे हमने क्लिक करके यहाँ पे पेज पे गए नहीं और ये हमने क्लिक किया हुआ है, तो वो डिफरेंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्या है। जनरली वी माइट हैव सीन ब्लू कलर टेक्स्ट पॉइंटिंग टू डिफरेंट लोकेशंस और पेजेस विद इन अ वेब पेज बीइंग डिस्प्लेड। हम इस तरीके से सब लिंक्स देखते हैं। व्हेन सच टेक्स्ट इज क्लिक्ड इट टेक यू टू अनदर पेज और रिसोर्स। When you come back to the original page, you might observe that the color of this text changes. जैसे कि हम Google पे भी कुछ सर्च करते हैं तो जो ऑलरेडी सर्च किया हुआ हो तो वो हमें डिफरेंट कलर में दिखाता है जो हमने ऑलरेडी वेब पेज सर्च किया है। जैसे कि मैं फर्स्ट डे से आपको कंप्यूटर का ही सर्च करके दिखा रही हूँ, तो जो जो पेज हमने सर्च किए है वो ब्लू कलर से होगा जो हमने विजिट किए हुए हैं,
और बाकी के जो हमने विजिट नहीं किए वो ब्लू कलर से दिखाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पेज हमने विजिट कर किया इस तरीके का, उसका उसका मतलब इस तरीके से होगा। तो अब जैसे ही हम कंप्यूटर करके सर्च करेंगे तो हमें वापस से वो वाला पेज पर्पल कलर में दिखाई गया, वही टेक्स्ट, ऐसा नहीं कि दूसरा टेक्स्ट, वही टेक्स्ट हमें पर्पल कलर से दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? एज यू हैव विजिटेड द लिंक इट इज आइडेंटिफाइड बाय द ब्राउजर बाय द वेब पेज एज अ विजिटेड लिंक। हमने ये पेज विजिट कर लिया है ऐसे ब्राउजर को लगेगा। सच अ विजिटेड लिंक इज आइडेंटिफाइड एज अ वी लिंक, यानी ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट, HTML में बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि अगर कोई लिंक हमने विजिट की हुई है तो वो पर्पल कलर से आ जाएगी। While the link that is being visited is called active link, यानी जो लिंक हम अभी विजिट करने वाले हैं या फिर जो लिंक पे क्लिक करें तो वो लिंक हमें और पेज पे लेके जाएगी तो वो पेज कहलाएगी एक्टिव लिंक। इस तरीके की एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक दो लिंक्स होती है। एक्टिव लिंक इज आइडेंटिफाइड एज अ ए लिंक। तो अभी हमें इस तरीके के अभी टैग्स रखना है कि अगर कोई विजिट करके आया है हमारा पेज तो वो जो टेक्स्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट पर्पल कलर आता है लेकिन हमें चाहिए कोई और कलर में तो वो भी हम सेट कर सकते हैं बॉडी टैग में, ए टैग, ए लिंक टैग और वी लिंक टैग से। ए लिंक टैग से क्या होगा, अगर हम उसके ऊपर जो हमारा जो हॉट टेक्स्ट है, हॉट टेक्स्ट यानी जो हमारा एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमें जो कलर देगा उसे ए लिंक में हम सेट कर सकते हैं। और वी लिंक यानी अगर वो पेज हम विजिट करके आए तो उस जो वी लिंक के अंदर हमने जो एट्रीब्यूट सेट किया होगा वो हमें आउटपुट देगा वी लिंक के अंदर। एक्टिव लिंक रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ लिंक एज इट इज बीइंग क्लिक, यानी हम जब क्लिक करने वाले तब जो कलर होगा वो एक्टिव लिंक में सेट होता है। एंड द विजिटेड लिंक रिप्रेजेंट द स्टेट अ लिंक दैट हैव ऑलरेडी बीन विजिटेड, यानी ये लिंक हम ऑलरेडी विजिट करके आए हैं उसके लिए वी लिंक है। मैं उसका एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का वो आउटपुट आएगा। हम एक न्यू पेज बना देते हैं, ठीक है? HTML/HTML हेड, उसके अंदर टाइटल, टाइटल कौन सा लिखेंगे, यूज ऑफ ए लिंक एंड वी लिंक और स्लैश टाइटल और हेड क्लोज बॉडी स्लैश बॉडी और इसके अंदर हम जो दो हमें लिंक क्रिएट करते हैं, एक तो ये टेक्स्ट कलर करके हमारे पास एक फाइल है तो उसकी लिंक क्रिएट करते हैं। एंकर टैग href इक्वल टू टेक्स्ट कलर डॉट html टेक्स्ट कलर फाइल, ये हमें टैग्स दिखाएगा लिंक के ऊपर और ये हमने टैग क्लोज कर दिया, ठीक है? और इसको सेव करते हैं। ये फाइल कौन से एक्सटेंशन से सेव होगी, बताओ? नहीं याद, .html करके, ओके, link.html मैंने फाइल नेम बनाई है। अभी इसका आउटपुट किस तरीके का आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने अभी कुछ सेट नहीं किया, राइट? तो हमें बाय डिफॉल्ट वो लिंक है वो ब्लू कलर के देगा और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो वो पर्पल हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है उसके अंदर हमें सेट करना है ए लिंक और वी लिंक। तो ए लिंक,
ए लिंक यानी जब मैं उसके ऊपर प्रेस करूँ तो मुझे कौन सा कलर देगा, तब मुझे चाहिए कि वो येलो कलर का दिखे, और जब वो विजिट करके आए पेज तो कौन सा कलर चाहिए, तो उसके लिए वी लिंक है, विजिटेड लिंक, तो मुझे अभी चाहिए कि ग्रीन कलर से, जो अभी बाय डिफॉल्ट होता है पर्पल कलर का, लेकिन वो मुझे चाहिए ग्रीन कलर का हो जाए, तो उसके लिए अगर मैं ये पेज रिफ्रेश किया तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो आपको दिखा है वो येलो कलर का हो गया, तो ये हो गई हमारी एक्टिव लिंक। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे ये पेज पे रिडायरेक्ट किया, अभी मैं वापस उस पेज पे जाऊंगी तो मुझे ये ग्रीन कलर का दिखा, आपको दिखा ग्रीन कलर? Yes, ma'am. तो इस तरीके से एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक वर्क करते हैं, ओके? अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम कल सीखेंगे एचआर टैग। आज आपने जो सीखा वो आपको आइडिया आ गया कि किस तरीके से होता है? हमने आज बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर, लिंक कलर सीखा, राइट? आपको आ गया है ना वो? यस मैम। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। बाय मैम। बाय।